हेलो गाइस, 2023 की नई इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रिबोर्न एज अ वेंडिंग मशीन, नाउ आई वेंडर द डंजन। चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब एंजॉय करें। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर की आवाज सुनते हैं, जो कि यहाँ पर लेक साइड पे होता है और सामने लेक को देखते हुए बोलता है कि मैं लेक पे क्या कर रहा हूँ, और चौंकते हुए कहता है कि वेट एक मिनट, कहीं मैं, लगता है वही हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में होता है, अपने व्हीकल से कहीं पे जा रहा होता है। तभी सामने देखता है कि सामने ट्रक पे एक वेंडिंग मशीन पड़ी होती है और उस वेंडिंग मशीन का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे उस वेंडिंग मशीन को बचाने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर तभी टर्निंग पॉइंट आ जाता है और वेंडिंग मशीन साथ में हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये दोनों नीचे आके गिर जाते हैं और वो सीन कट होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर वो अपने आप से कहता है ये तो पक्का है कि मैं मर गया था, लेकिन मेरे को यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद वो यहाँ पे मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है एक मिनट, मैं यहाँ पे हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, और चिल्लाते हुए कहता है कोई है यहाँ पर। और तभी उसके अंदर से यहाँ पर कुछ प्री रिकॉर्डेड आवाज आती है, जिस पर वो कहता है एक मिनट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो सोचते हुए कहता है कि ये वाली आवाज तो मैंने कई बार सुनी है, कहता है कि यार ये वाली जो मैंने आवाज है तो मैंने वेंडिंग मशीन सुनी है। उसके सामने कुछ पानी पड़ा होता है और फिर वो पानी में अपना चेहरा देखता है तो शॉक हो जाता है कि वो अभी एक वेंडिंग मशीन बन चुका है। और फिर उसको यहाँ पर समझ आता है कि उसका असल में यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है एक वेंडिंग मशीन के रूप में। और वो अपने आप से कहता है कि वैसे अब जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन हाँ मेरी जो शेप है और मेरा जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। और कहता है वैसे एक वेंडिंग मशीन के रूप में पुनर्जन्म बेकार है या अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पुनर्जन्म उस रूप में हुआ है जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था, यानी एक वेंडिंग मशीन के रूप में। और इसके बाद वहाँ पर काफी सारे वर्ड बोलता है जिसको यहाँ पर उसके अंदर प्री रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे कि थैंक यू वेरी मच, टू बैड, यू माइट विन एन एक्स्ट्रा आइटम, और भी काफी सारे आवाज बोलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है असल में। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक वेंडिंग मशीन के रूप में अब यहाँ पर पुनर्जन्म ले चुका है, और जब वो अपने आप से बात करता है तब तो वो यहाँ पर अपने नॉर्मल आवाज में बात कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन यहाँ जब वो किसी और से बात करेगा या किसी और से कुछ बोलेगा तो वो वहाँ पर अपनी आवाज में नहीं बोल पाएगा, और उसके अंदर जो प्री रिकॉर्डेड आवाज है पहले से ही वो सिर्फ वही बोल सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ बताई थी आवाजें, और वो इन आवाज को ही बोल सकता है दूसरों के सामने। और फिर वो शांत होकर अपने आप से कहता है कि तुम एक वेंडिंग मशीन हो और तुम्हें अपने जो काम है उसको यहाँ पर करना होगा, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी में क्या क्या है। और फिर यहाँ पर चेक करता है अपने अंदर, तो उसको यहाँ पर पता चलता है कि असल में उसके पास दिमाग तो है ही नहीं और उसके दिमाग के अंदर सिर्फ कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर ही होते हैं। और फिर वो चेक करता है कि वहाँ पर असल में हो क्या रहा है इस वेंडिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके पास सिर्फ यहाँ पे दो टाइप की चीजें हैं जिसको यहाँ पर सेल कर सकता है, एक तो है मिनरल वाटर और दूसरा है कॉर्न सूप। और अगर उसको इस टाइप्स को चेंज करना है या कुछ नए फ्लेवर्स उसको इसमें ऐड करने हैं तो उसको यहाँ पर पॉइंट को स्पेंड करना पड़ेगा, और जो ये पॉइंट होंगे ये इसको यहाँ पर मनी से मिलेंगे, और पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ये काफी चीजें कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीजें खत्म हो गई तो उसको भर सकता है वापस से, नई चीजों को ला सकता है, साथ में कुछ नए फंक्शंस को भी यहाँ पर ऐड कर सकता है। और वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारी चीजें मेरे को समझने के लिए, जिसको मैं यहाँ पर आराम से बाद में समझ लेता हूँ, पहले यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लेता हूँ। और वो वहाँ पर चेक करता है तो उसके सामने काफी सारे आइटम्स होते हैं। इसके बाद वहाँ पर ट्राई करता है, सोचता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर जो 10 पॉइंट है उसका इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर जो कोल्ड मिल्क टी है उसको यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ। तो अब उसके पास टोटल 3 आइटम्स हो गए हैं। और इसके बाद वो यहाँ पर पूरी रात ही चेक करता है कि उसके पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसको सब कुछ समझ आने लग जाता है, जैसा कि उसकी जो पूरी ये बॉडी है यानी कि वेंडिंग मशीन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, तो इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देने होंगे जिससे कि यहाँ पर अपने आपको यहाँ पर चार्ज कर सके, और इसका जो एक पॉइंट है उसको एक घंटे तक यहाँ पर जो पावर है वो प्रोवाइड करवाएगा। और फिर यहाँ पर वो कैलकुलेशन करता है और कहता है कि इसका मतलब मैं 24 पॉइंट एक दिन के अंदर इस्तेमाल करूंगा। और इसको यहाँ पर ये भी पता चलता है कि असल में यहाँ पर 100 यान को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पॉइंट बना सकता है। और फिर जब ये चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसके पास अभी 900 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये है कि मैं लगभग एक महीने तक अब यहाँ पर चल सकता हूँ। और अपने आप से कहता है कि मेरे को यहाँ पर कोई भी पॉइंट है तो वेस्ट नहीं करना जब तक मेरे को इनकम ना आ जाए। और वो यहाँ पर कुछ समय तक वेस्ट करता है और एक दिन यहाँ पर बीत जाता है और अपने आप से कहता है यार यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा इस जगह पर। और तभी हम लोग देखते हैं कि सामने से पानी के अंदर से एक फ्रॉग आता है जिसको यहाँ पर देख कर कहता है कि लगता है मेरा कस्टमर आ गया। और जब वो देखता है तो पता चलता है ये एक फ्रॉग है। इसके बाद कहता है यार ये लग तो मेरे को इंसानों की तरह रहा है, क्या इसके पास दिमाग वगैरह होगा, चलो कोई नहीं। और इसीलिए जो यहाँ पे प्री रिकॉर्ड आवाज होती है साउंड वो यहाँ पर बोलता है और वो बोलता है हेलो देयर, जिस पर जो फ्रॉग होता है वो यहाँ पर डर जाता है। और फिर उसके हाथ में जो एक उस फ्रॉग का औजार होता है उससे यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है वेंडिंग मशीन की। और जब यहाँ पर वो पिटाई कर रहा होता है तो यहाँ पर जो वेंडिंग मशीन होती है उसको समझ में आती है कि असल में यहाँ पर उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो रही है। और जब वहाँ पर वो चेक करता है उसके सामने काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें सबसे टॉप पे ड्यूरेबिलिटी होती है। और उसको यहाँ पर पता चलता है कि असल में यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी है कि जैसे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो ये जो वेंडिंग मशीन है वो टूट जाएगी और ये बिल्कुल भी काम लायक नहीं रहेगी। वो
इस ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। जिस पर वहाँ पर चेक करता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक यहाँ पर जगह लिखी होती है मैजिक। वो कहता है क्या इस वर्ल्ड में मैजिक भी है, पर ये जीरो क्यों है मेरे पास। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रॉक के वो साथी भी वहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं, जिनके पास एक छोटी कुल्हाड़ी भी होती है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसकी ऐसी तैसी करते हैं तोड़ तोड़ कर। और वो कहता है भाई तुम्हें वो काफी ज्यादा धो रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो काफी सारे अपने फंक्शंस को यहाँ पर चेक करता है जो भी उसके पास फंक्शंस होते हैं। और तभी उन फंक्शन में से एक फंक्शन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ब्लेसिंग। वो कहता है ये ब्लेसिंग क्या है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि एक स्पेशल पावर है जो कि इसको गॉड की तरफ से दिया गया है और वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है बिना एक पॉइंट को इस्तेमाल किए। और वो कहता है भाई मैं बिल्कुल भी नहीं समझा, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कुछ मैजिक होने वाला है। और फिर यहाँ पर वो ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है और इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि असल में उसके चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बन गया है। और अब वो इसके ऊपर होता है कि किस चीज को वो इस बैरियर के अंदर लाना चाहेगा और किसको यहाँ से बाहर रखना चाहेगा। और बैरियर बनने के बाद वो जब अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करता है उसको पता चलता है कि उसके काफी सारे जो पॉइंट है वो घट रहे हैं। और वो सोचता है भाई पॉइंट क्यों घट रहे हैं, जिसके बाद उसको यहाँ पर समझ में आता है कि असल में जब यहाँ पर जो फ्रॉग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे तो यहाँ पर जो उसकी ड्यूरेबिलिटी थी उसको बढ़ाने के लिए उसके काफी सारे जो पॉइंट्स थे वो कट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉग्स होते हैं वो तब भी नहीं मानते और फिर से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो बैरियर बन गया होता है उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रॉग्स होते हैं वो और वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और आखिरकार जितने भी फ्रॉग्स होते हैं ये हार मानकर वहां से चले जाते हैं। और ऐसा करते करते यहाँ पर जो हमारे वेंडिंग मशीन होती है इसको शाम हो गई होती है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि रात में जो थोड़ी बहुत और उसकी चोट लगी होती है वो यहाँ पर अपने जो पॉइंट है उसको इस्तेमाल करके अपने आप को पूरा ठीक कर लेता है। और फिर यहाँ पर अपने पॉइंट्स को चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसके जो पॉइंट्स है वो 311 पॉइंट्स बचे हुए हैं सिर्फ। और उदास होते हुए कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं और मेरे पॉइंट्स जो है वो फिर खत्म हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर वर्क करना बंद कर दूंगा। पर अगर कोई आके मेरे यहाँ से कुछ बाय कर ले तो मेरा काम यहाँ पर बन सकता है। और इसी तरीके से उसके यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं कम से कम एक चीज भी बेच पाऊंगा अपने मरने से पहले। और तभी होता है एक चमत्कार। यहाँ पर एक हंटर गर्ल आती है जो कि अपनी जो हंटर टीम है उससे यहाँ पर बिछड़ गई होती है। और वो यहाँ पर इसीलिए आई होती है क्योंकि यहाँ पर जो अपना वेंडिंग मशीन है इसकी आवाज सुनकर आई होती है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर चारों तरफ देखती है, सोचती है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाता, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और वो अपने आप से कहती है मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ और मेरा बैग भी पता नहीं कहाँ पर है। और तभी वो यहाँ पर सामने देखती है तो सामने उसको यहीं पे अपना जो मेन कैरेक्टर यानी कि वेंडिंग मशीन है वो दिखाई देता है। और वो यहाँ पर सामने उसको देख के सोचती है, कहती है ये क्या चीज है। अब तो सामने वेंडिंग मशीन के अंदर जो सामान रखे होते हैं उसको देखती है, कहती है कि यार ये तो मेरे को यहाँ पर कुछ नेचुरल वाटर लग रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। जिसके बाद अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर कुछ बोलता है और वो कहता है प्लीज इंसर्ट अ कॉइन, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये बॉक्स बोल रहा है क्या। जिस पर वो कंफ्यूज होते कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कॉइन या इसका मतलब मनी है। और वो सोचती है कि क्या यहाँ पर ये कॉइन काम करेगी। इसके बाद यहाँ पर वो कॉइन डालती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता चलता है कि असल में इस दुनिया में ये कॉइन है ये दूसरी कॉइन है, तो इसको अपने कॉइन में कन्वर्जन करने के लिए इसको यहाँ पर कुछ कन्वर्जन फीस देनी होगी जो कि यहाँ पर होगी 100 पॉइंट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो उसका चार्ज होता है जो भी उसका प्राइस होता है चीज का वो 100 पॉइंट्स बढ़ जाता है। जिस पे यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है क्या इसका प्राइस चेंज हो गया है क्या। तो उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कॉइन भी होता है, सिल्वर कॉइन डालती है उसमें। फाइनली यहाँ पर उसको जो एक सामान होता है यहाँ पर मिल जाता है जिसको वो पीकर काफी ज्यादा एंजॉय फील करती है और वो उसको काफी ज्यादा मस्त भी लगता है। इसके बाद वो फिर और भी काफी सारे सामान उसमें से खाती पीती है। और यहाँ पर जो वेंडिंग मशीन होता है अपने मन ही मन में कहता है लोगों की इस तरह की जो खुशी है उसको देखकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं एक वेंडिंग मशीन हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमको बताता है कि उसने टोटल आज यहाँ पर 6 सिल्वर कॉइन इकट्ठा किया और 30 कॉपर्स जो कि लगभग उसको 63 पॉइंट्स दिलवा चुके हैं। और यहाँ पे वो जो हंटर गर्ल होती है वेंडिंग मशीन के साइड में सो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी सो के उठ जाती है और उस वेंडिंग मशीन को आके कहती है कि वैसे तुमने मेरे आज काफी सारे पैसे खर्च करवा दिए लेकिन मेरे को काफी अच्छा लगा तुम्हारे जो सामान है उसका इस्तेमाल करके, और इसलिए उसको यहाँ पर वो थैंक यू भी कहती है। और इसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम कुछ बोल भी सकते हो, और वो अपने आप से कहती है मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर इस चीज को बनाया और इसके अंदर कुछ मैजिकल पावर थी जो इसके अंदर डाल दी है। और इसीलिए वो यहाँ पर उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ कोई डील करना चाहोगे, और उसको बोलती है अगर तुम यहाँ पर कुछ भी कहते हो तो मैं समझ जाऊंगी तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो। जिस पर हमारी वेंडिंग मशीन कहती है कि हेलो देयर, तो वो यहाँ पर समझ जाती है कि उसको यहाँ पर ये जो डील है वो मंजूर है और उसको कहती कि मैं शर्त लगाती हूँ ह्यूलमी जो होगी वो तुमसे जरूर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाएगी। और कहती है अरे मैं तो तुमको अपना नाम बताना ही भूल गई। इसके बाद वो अपना नाम बताती है और वो अपना नाम इसको लैमस बताती है। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। तो वो समझ जाती है कि इसका नाम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसको उसका नाम देती है और बोलती है मैं तुमको यहाँ से बॉक्स बुलाऊंगी, जिस पर वो भी उसको जवाब में देता है हेलो देयर, और वो समझ जाती है कि इसको बॉक्स नाम पसंद आया है। और उसके बाद वो कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर यहाँ पर पूरी वेंडिंग मशीन को उठा लेती है अपने हाथ से, जिस पर
यहाँ पे जो बॉक्स होता है वो बोलता है अरे एक मिनट 50 किलो का है, और वो देखता है कि यहाँ पर जो लूमस होती है उसने पूरा का पूरा जो वेंडिंग मशीन है वो उठा लिया होता है। और वो कहती है ये थोड़ा सा भारी तो है लेकिन कोई नहीं मैं इसको मैनेज कर लूंगी। और फिर रास्ते में ले जाते वक्त वो यहाँ पर थोड़ी थक जाती है और फिर यहाँ पर बॉक्सों को नीचे रखते हुए बोलते हैं ओह मैं थोड़ी थक गई चलो मैं यहाँ पर आराम कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैं इस वेंडिंग मशीन में से क्या पीऊं। तो हमारा यहाँ पर जो बॉक्स होता है वो समझ जाता है कि उसको यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहिए और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक यहाँ पर नई चीज को ऐड करता है। और तभी कुछ समय एक लाइट चमकती है और लूमस कहती है ये लाइट क्यों चमक रही है। और फिर यहाँ पर देखती है तो कहती है ओह यहाँ पर कुछ नई चीज ऐड हो गई है और फिर उस चीज को ट्राई करती है। इसके बाद वो काफी सारी चीजें और भी उसमें खाती पीती है और फिर बॉक्स हम लोगों को बताता है कि उसने अभी तक यहाँ पर 320 जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रिकवर कर लिए हैं यानी कमा लिए हैं। और फिर फाइनली वो अपने विलेज में पहुंच जाती है जहाँ पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो दो गार्ड्स होते हैं वो उसके पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि लूमस तुम जिंदा हो, हमारे जो बाकी हंटर ग्रुप के साथी थे वो यहाँ पर वापिस आ गए थे लेकिन मरे हुए, हमें लगा तुम भी बच नहीं पाओगी लेकिन हमें काफी अच्छा लगा तुम यहाँ पर जिंदा वापिस आ गई हो। और वो लोग वेंडिंग मशीन को देखते हुए पूछते कि ये क्या चीज है, तो लूमस उसको साइड डिटेल बता देती है कि ये मेरे को जो है लेग साइड पर मिला। और वो दोनों को बड़े ध्यान से देखने जाते हैं जिस पर हमारा जो बॉक्स होता है वो कहता है कि हेलो देयर, तो वो दोनों शॉक में जाते हैं। तो लूमस उन दोनों को बताती है कि ये असल में एक मैजिकल टूल है जो कि बात कर सकती है। और लूमस उन लोगों को बताती है कि मैं इसको यहाँ पर बेचने के लिए नहीं लाई हूँ, मैं इसको यहाँ पर ह्यूमन को दिखाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर उनमें जो एक टकलू बंदा होता है वो यहाँ पर वेंडिंग मशीन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो काफी महंगी लग रही है लेकिन हाँ कुछ नए तो है ही, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। और फिर अपना बॉक्स को कहता है कि प्लीज इंसर्ट अ कॉइन और फिर यहाँ पर अपना कॉइन डालता है। और जैसे वो लोग यहाँ पर इस कोल्ड ड्रिंक को पीते हो कहते हैं वाओ काफी मस्त है और फिर यहाँ पर काफी सारी यहाँ पर चीजें पीते हैं। और फिर बॉक्स हम लोग को बताता है इन लोगों ने सारी चीजें बाय की। और लूमस जब यहाँ पर वेंडिंग मशीन यानी बॉक्सों को लेकर अपने घर जा रही होती है तभी यहाँ पर देखती है कि एक गली के कोने में कुछ लोग यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के पास जाती है जिन पर जो गुंडे होते हैं वो चिल्लाते हुए उसको कहते हैं कि तुम्हारे बस के तुम हमसे लड़ सको और हम तुमसे बड़े और ताकतवर भी हैं। पर लूमस को यहाँ पे गुस्सा जाता है और यहाँ पर उन दोनों के साथ लड़ाई करती है और उन दोनों को मार के वहां से भगा देती है। और फिर लूमस के बाद अपने घर पे जाती है जहाँ पर वो अपनी सिस्टर और मॉम से मिलती है और उन लोगों को यहाँ पर बॉक्सों को दिखाती है। उसकी सिस्टर और उसकी जो मॉम होती है वो भी यहाँ पर इसको जिंदा देख के काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लूमस होती है वो यहाँ पर वेंडिंग मशीन यानी अपने बॉक्सों को एक होटल के आगे लगा देती है जिसके पास बॉक्स हम लोग को बताता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और यहाँ पर जो उसकी जितनी भी ड्रिंक्स है वो यहाँ पर बाय करते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय फील करते हैं। और जैसे शाम होती है लूमस जो होती है उसको उठाकर यहाँ पर जो है गेट के सामने ले जाती है यानी हमारे जो दोनों बॉडी गार्ड है उनके पास यहाँ पे जाकर सेफ रख देती है। और फिर रात में जब यहाँ पर बॉक्स उन लोगों के दोनों के सामने होता है कोल्ड ड्रिंक को पी के आराम से इंजॉय कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो टकलू होता है वो कहता है यार मैं तो काफी ज्यादा बोर हो गया यहाँ पर एक चीज पी पी कर। तो बॉक्स को कहता है कि लगता है मेरे को यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर यहाँ पर वो चेंजेस करते हैं। इन लोगों के सामने एक लाइट चमकती है और कहते हैं ये लाइट क्या है यार। और फिर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो काफी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर चेंजेस हो चुकी हैं। फिर ये दोनों यहाँ पर इस चीज को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और काफी मजा भी आता है इन लोगों को। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि जो बॉक्स होता है वो फिर से यहाँ पर होटल के सामने होता है और बताता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं और मेरी जो सारी चीजें वो खत्म हो जाती है मेरे को फिर से यहाँ पर रिफिल करनी पड़ती है उसको। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है जिसको यहाँ पर लूमस ने बचाया होता है। वो लड़की यहाँ पर इसी बॉक्स के सामने आती है और बॉक्स से कुछ बोलती है लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स होता है वो कहता है कि हेलो देयर। कि तभी यहाँ पर जो लड़की होती है यहाँ पर उसको जीभ चढ़ाते हुए उसके ऊपर पत्थर मार के वहां से भाग जाती है। बॉक्स हम लोग को बताता है कि पहले यहाँ पर जो लूमस थी उसको मेरे को उठा के ले जाना पड़ता था तो यहाँ पर जो लूमस थी उसने यहाँ पर एक वुडन फ्रेम यहाँ पर बाय कर लिया तो वो बड़े आराम से उसको अपने जो पीठ पर उसको रखकर वहां पर ले जाती है। और फिर हम लोग नाइट का सीन देखते हैं वो बॉक्स को वहां से उठा के और उन गार्ड्स को वहां पे बाय बोल के आगे की तरफ निकल जाती है। इसका मतलब यहां पर जो बॉक्स है और यहां पर लूमस जो कहीं पे जा रहे होते हैं। तो यहां पर जो लूमस होती है वो कहती है कि मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम यहां पर काफी ज्यादा बातें करोगे। और अब ये लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं ह्यूमन से मिलने। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहां पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।